फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक दिवाकर और मैं सुपर डांसर चैप्टर 2 का फाइनलिस्ट हूँ। जैसे कि हमारा 6 महीने शो चला था तो मैंने बहुत सारे एक्ट किए, बहुत नए नए एक्ट किए, और मेरे बारे में और जानने के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया। समाचार इंडिया न्यूज की टीम आज आ पहुंची है ऋतिक दिवाकर के घर। ऋतिक सुपर डांसर चैप्टर 2 के टॉप 4 फाइनलिस्ट रहे हैं। सुपर डांसर चैप्टर 2 सोनी चैनल पर लगभग 6 महीने चला था। इसमें टॉप 4 में अपनी जगह बनाने वाले ऋतिक दिवाकर, कानपुर की शान कहे जाने वाले ऋतिक दिवाकर। और जब मैं मतलब बहुत छोटा था तो मैं स्कूल में करता था डांस, और फिर धीरे धीरे मैंने ऑडिशन दिए। ऑडिशन देने के बाद मैं सुपर डांसर चैप्टर 2 में सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद मैं सेकेंड राउंड में गया, थर्ड राउंड में। उसके बाद जब मैं फर्स्ट सीजन गया था स्टूडियो राउंड, तो मेरे को सिलेक्ट नहीं किया था। फिर मैंने मतलब नहीं सिलेक्ट हुआ था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से मैं वापस आया और नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई किया। और नेक्स्ट ईयर मैं सुपर डांसर टॉप 4 इंडिया के बेस्ट सुपर डांसर्स में से। अब हम आपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा होगा? मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था जब भी मेरा बर्थडे था और मेरा सुपर डांसर चैप्टर 2 में ही सेलिब्रेट किया गया था। मेरा बर्थडे उसी दिन आया था, शो में ही था, तो मेरे सर ने मेरे को फोन गिफ्ट किया था। मेरे सर ने मतलब मेरा बेस्ट बर्थडे था। मेरे को अभी पहले तो पढ़ाई करनी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। सर ने बोला है कि अभी तुम जाके आराम से पढ़ाई करो, क्योंकि मेरे को स्पॉन्सर कर दिया है वरुण धवन ने पढ़ाई के लिए। इसीलिए अब मैं पहले पढ़ाई करूंगा, उसके बाद फिर आगे का और डांसिंग की रिहर्सल भी करता रहूंगा, दोनों चीजें साथ में करूंगा। आपको इसमें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। शो में तो कोई मुश्किल नहीं हुई, पहले था थोड़ा बहुत। घर में ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे मेरे को ऑडिशन देने के लिए, ट्रेन से कहीं जा नहीं पाता था, ट्रैवल नहीं कर पाता था, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अभी ठीक हो गया। जब लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं तो आपको कैसा लगता है? कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ दिनों पहले मैं इधर गली में घूमा करता था, कोई मेरे को पूछता भी नहीं था, और अभी मैं यहाँ से रोड पे निकलता हूँ तो लोग भीड़ लगा लेते हैं देखने के लिए, सेल्फी फोटो, सर ये टेक एक फोटो प्लीज, ऐसा करने लगते हैं। तो मैं इतना चेंज कर दिया है सुपर डांसर ने मेरी लाइफ को कि मैं कहाँ था और कहाँ। सोनी चैनल के आने के बाद आपकी लाइफ में किस तरह का चेंजमेंट आया है? सोनी चैनल में वही चीज बताया मैंने आपको कि पहले मेरे को कोई नहीं पूछता था, मैं दुकान दुकान भी जाता था। अभी तो मैं जहाँ पे मतलब एक बार मैंने दुकान से चीज ली थी तो आंटी पीछे पड़ जाती थी, उधार का देगा। अभी वही आंटी खुद देने आती थी सामान, ऋतिक लो कुछ खा लो, ऋतिक लो कुरकुरे ले लो, ऋतिक लो ये खा लो। वो मेरे घर के बाहर खड़े थे, मेरे को बोल रहे थे ऋतिक लो ये खाओ, ऋतिक लो ये खाओ। तो मैं बहुत खुश था वो देख के, सब लोग एकदम चेंज हो गए थे। मतलब परिवार वाले जो मेरी मम्मी को ताना मारते थे, बोलते थे कि क्या ना चाह रहे हो बच्चे को, कुछ अच्छा काम कराओ, पढ़ाई करवाओ, तो वो लोग अब बोलते हैं कि अच्छा अच्छी चीज में चला गया तुम्हारा बच्चा, बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने बताया कि आंटी जी आपको उधार लेती थी, हाँ, उधार से दुकान से आप उधार लेते थे, अब आप जाते होंगे तो आपको उसी तरह से आपको इनवाइट करते होंगे वो लोग। हाँ, अभी मतलब मेरे को ज्यादातर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आंटी को कुछ मतलब खुद ही आ जाती है देने। सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को यहाँ पे, बहुत अच्छा। अगर आप घर के बाहर निकलते होंगे आप तो परेशान हो जाते होंगे। सेल्फी परेशान होने का कुछ है ही नहीं इसमें। जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो 2-3 लोग देख लेते हैं, तो बोलते हैं कि फोटो तो फोटो वोटो खिंचा लेता हूँ, और थोड़ी बहुत भीड़ लग जाती है तो फिर मैं चला जाता हूँ। अब हम बात करेंगे ऋतिक की मम्मी जी से, उनसे पूछेंगे आप, इन्होंने की मम्मी जी से सवाल पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए मुश्किलों का सामना किया। आप बताएं किस तरह की मुश्किलें आपने बहुत मुश्किलें उठाई, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी पहले कि हम अच्छे से पढ़ा लिखा पाए, अपना अच्छे से डांस में भेज दें। मगर हमारा बच्चा इतना समझदार था कि डांस भी जाता था, स्कूल भी जाता था, कोई भी दिक्कत होती थी बाबू ये कर लो मम्मी नहीं करेंगे, बहुत समझदार है। हमने बहुत कष्टाई से इसको पाला है, बहुत उससे मुश्किल से, मगर हमारी स्थिति नहीं थी। मगर अब जब से सुपर डांसर हो गया तो लोग बच्चों हमारे रिश्तेदार
जानते भी नहीं थे, पहचानते नहीं थे, सबको जानते हैं। आपको वो इतना फील होता है, हमें इतनी खुशी होती है कि इतने सम्मान में हमारे बेटे ने हमारा नाम कर दिया। आपके घर में सुना था एक बार चोरी हो गई थी जब ये ऑडिशन देने गए थे, तो अभी तक कोई उसका रिजल्ट आया है क्या? हाँ, तो हमारे घर में चोरी हो गई थी तो सोनी चैनल वालों ने 3 लाख रुपए का चेक दिया है हमें। चेक सोनी चैनल ने आपको 3 लाख रुपए चेक दिया हुआ, और आपसे पूछेंगे आप किस तरह से लोग आपको किस तरह नजर से देखते? पहले तो आप बताते कि परिवार वाले आपसे ठीक से बात नहीं करते थे, अब किस तरह की स्थितियाँ? पहले तो कोई परिवार वाले देखने भी नहीं आते थे कि क्या हाल हो रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अब तो जो भी नहीं जानते तब तो सब आते हैं, सब मिलने आएंगे, सब हाल चाल पूछेंगे अब क्या कर रहे हैं, और रिश्तेदारी में भी सब लोग। ऋतिक के घर पर अभी पक्की छत नहीं है, सोनी चैनल की आर्थिक मदद से अब नई छत का काम चल रहा है।